गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सारे के सारे? ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे गाइस चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास की केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने अब तक जो किया, मैं उसका छोटा सा ओवरव्यू तुम्हें देना चाहता हूँ। उसमें हमने अब तक क्या किया, मैंने तुम्हें बताया कि हम लोग अपने सिलेबस को किस तरीके से कवर अप करने वाले हैं और किस सिलेबस में कितना पोर्शन कहाँ पीछे से अटैच होता है, पहली थिंग। दूसरी थिंग जो मैंने तुम्हें बताई, मैंने उसमें तुम्हें एक लॉगरिथम की कैलकुलेशन सिखाई, लॉग की प्रॉपर्टीज तुम लोगों को बताई। एक बार वापस से दोहरा देता हूँ, लॉग m इंटू एन इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m अबाई n इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n, एन लॉग m रेज टू पावर n इक्वल्स टू n लॉग m। ऐसे ही मैंने तुम्हें बताया कि अगर लॉग x इक्वल्स टू 1 है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू 10 इज टू पावर 1, यानी कि लॉग के बेस में 10 होता है और जो इक्वल में रखा रहता है वो 10 की पावर बन जाता है गाइस। ठीक है, ये बात मैंने आपको उस क्लास में समझाई, पूरी क्लास उसी के ऊपर थी और वो शायद अच्छे तरीके से आपको समझ में आ भी चुकी होगी, हमने बहुत सारी वास्ट कैलकुलेशन उसके अंदर की। सेकेंड थिंग गाइज, मैंने आपको सेकेंड डे पढ़ाया कि मैटर क्या होता है, तो मैंने बताया कि मैटर बेसिकली जो हमारे तरफ चारों तरफ होता है या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं मैटर। मैटर सराउंडिंग इज अस, जो जगह घेरता हो उसको मैटर, सबस्टांस जो जगह घेरता हो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है एटम्स। एटम्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में भी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं जिनको? क्वार्क्स। स्पेलिंग गाइज ये भी हो सकती है, ठीक है, और आप फिजिक्स में पढ़ोगे ये भी हो सकती है, क्यू यू ए आर के या क्यू यू ए आर सी, दोनों एक ही बात है, दोनों क्वार्क्स एक ही चीज़ है। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि हम मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस के वजह से मैंने बताया कि गाइस मैटर होता है तीन तरह का, सॉलिड लिक्विड और गैस, और केमिकल अपीयरेंस से मैंने बताया कि या तो वो प्योर होगा या वो मिक्सचर होगा। अगर वो प्योर होगा क्या गाइस, अगर वो प्योर होगा तो हम उनको एलिमेंट या उनके कंपाउंड स्टेट में पड़ेगा, जैसे कि एलिमेंट्स की बात करी थी मैंने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके अंदर आप ये नहीं बोलोगे कि हाइड्रोजन के अंदर नाइट्रोजन थोड़ा बहुत मिला हुआ है, यानी कि वो बिल्कुल प्योर है। एलिमेंट कैसे होते हैं? बिल्कुल प्योर होते हैं। कार्बन बिल्कुल प्योर मिलेगा आपको, कार्बन की जब आप बात कर रहे हो तो आप प्योरिटी की बात कर रहे हो, एक वहाँ पे केवल आप कार्बन की ही प्रेजेंस की बात कर रहे हो, राइट? कोई कंपाउंड हुआ जैसे कि H2O, जैसे कि O2, तो नेचर में बहुत सारी गैसेज है, लेकिन जब पर्टिकुलर O2 की बात करते हैं तो O2 के अंदर O2 ही मिलती है, O2 के अंदर CO2 नहीं मिलेगी। हाँ, मिक्सचर CO2 O2 का हो सकता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर O2 की बात करोगे तो O2 ही की बात कर रहे हो आप। O2 अपने आप में एक आइडेंटिटी रखती है जिसको हम ऑक्सीजन गैस का नाम दे रहे हैं, राइट? उसके बाद मैंने आपको मिक्सचर्स के बारे में बताया, तो मिक्सचर्स के बारे जब मैंने आपको बताया तो मैंने बताया कि भाई मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स में आप लोग डालते हो क्या, एक होमोजीनियस तरह का मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या था? होमो प्लस जीनियस, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब फेजेस, यानी कि मैंने बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर्स कैसे होते हैं, जो सेम फेज में होते हैं। फिर मैंने होमोजीनियस मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी बताई थी, सेम फेज, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड कैन बी डिवाइडेड और कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकल, यानी अगर उनको आप मिलाते हो तो उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हो, जैसे नमक पानी के घोल को आपने हीट करके पानी को अलग कर सकते हो और नमक को अलग कर सकते हो, यानी कि आफ्टर मिक्सिंग दे कैन बी आइसोलेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड, राइट? उसके बाद मैंने हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात की, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में मैंने आपको गाइस बताया कि ये कैसे होते हैं, जो डिफरेंट फेज में होते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, जीनियस मतलब फेज, यानी कि जो हेट्रो डिफरेंट फेज में होते हैं, जैसे कि पानी के अंदर अगर रेत मिला दो तो क्या मिलेगा आपको गाइस? पानी ऊपर ऊपर मिलेगा, रेत नीचे बैठ जाएगा, यानी कि ये दो फेज में है, नीचे कोई अलग फेज है, ऊपर की कोई अलग फेज है, डिफरेंट फेज। कैसी फेज? डिफरेंट फेज, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद अगर मैं आपसे फर्दर उसको बात करूं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो आप बोलोगे भाई डिफरेंट फेज में है, आप बोल सकते हो कि सर इसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यानी कि आप अगर स्ट्रो डाल के पीना चाहो तो ऊपर पानी मिलेगा नीचे रेत मिलेगा, राइट? यानी कि आपके पास जो कंपोजिशन आया वो कैसा आया गाइज? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हाँ, इसको भी हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, यानी कि आप सीव से उसको छान दो, रेत ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चले जाएगा, यानी कि मिक्सचर्स जो होते हैं वो फिजिकल टेक्निक के थ्रू सेपरेट आउट हो सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। दोनों की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी।
फिर मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बताया कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है। मैटर की प्रॉपर्टी मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब की यूनिट्स और उनके इंटरकन्वर्जन मैंने आपको बाखूबी तरीके से सिखाए और आपने वो सीखे भी होंगे। उसके बाद हमने कुछ और प्रॉपर्टीज की बात की, और जो और प्रॉपर्टीज हमारे पास थी वो क्या थी गाइज, कि कल मैंने आपको एक मोल कॉन्सेप्ट सिखाया, मोल कॉन्सेप्ट को मैंने लिंक कराया एवोगैड्रो नंबर से। किससे लिंक कराया गाइज? एवोगैड्रो नंबर से। और एवोगैड्रो नंबर की मैंने आपको जो चीज़ बताई वो क्या बताई, जैसे कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक पेयर में दो जोड़े होते हैं, यानी कि दो चीज़ें होती है, वैसे ही एक एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू होता है 6.022 × 10^23 उसी चीज़ के एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के। कल उसके आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए, और एग्जाम्पल्स करने के बाद कल हमने वो मोल कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया था। अब वापस से एक बार आते हैं हेटरोजीनियस या होमोजीनियस मिक्सचर पे। किस पे आते हैं गाइज? मिक्सचर पे आते हैं। अब मिक्सचर जो होता है वो क्या है? एक तरह का सॉल्यूशन है। क्या है गाइज? एक तरह का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बोले तो यानी कि उसमें कुछ आपने 9th क्लास में पढ़ा है सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब क्या होता है सॉल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट? सॉल्यूट बेसिकली वो पार्टिकल्स होता है। सॉल्यूट क्या होता है गाइज? सॉल्यूट वो सब्सटेंस है हमारे सॉल्यूशन के अंदर जिसकी जो अमाउंट है वो कम अमाउंट में है। यानी कि अगर आप एक सॉल्यूशन की बात करते हो तो जो उसमें कम मात्रा में डाला हुआ है वो तो है सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट मैं बोल सकता हूँ। अब आप किसी भी चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हो गाइज उनके नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे, क्योंकि आप मोल्स तो जान ही चुके। आप लोग बोल सकते हो कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स है, इसके अंदर इतने, इसके इतने नंबर ऑफ मोल्स है। यानी कि सॉल्यूट को आप बोल सकते हो जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो इन लेस अमाउंट। कैसे प्रेजेंट होगा? इसलिए लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन के अंदर। अगर सॉल्यूशन बताऊंगा कि किसको सॉल्यूट बोले किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। आप ये मान लो कि सॉल्यूशन अगर आपने बना दिया तो जो कम अमाउंट में वहां पे है वो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या होता है? प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। और इसको आप बोल सकते हो एक्सेस, एक्सेस यानी कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा हो। इसको आप फर्दर कैसे बोल सकते हो? इसी चीज को फर्दर गाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो। लेस नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। और इसके लिए आप फर्दर क्या यूज बोल सकते हो? लार्ज नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। क्या बोल सकते हो गाइज? लार्ज नंबर ऑफ मोल्स आर यानी कि आप मोल्स में ही बात कर सकते हो और आप अमाउंट में ही बात कर सकते हो, क्योंकि आपको पता लग चुका था कि नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट में क्या रिलेशन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसके क्वेश्चंस भी हमें करने थे, इसी से कोरिलेट कराऊंगा। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि उसके अंदर उसके या तो लेस नंबर ऑफ मोल्स हो सॉल्यूट होगा, लार्ज नंबर ऑफ मोल्स हो तो वो आपका सॉल्वेंट होगा, या कम अमाउंट में है तो भी आप उसको बोल सकते हो कि सॉल्यूट है, ज्यादा अमाउंट में है तो भी आप उसको बोल सकते हो कि वो गाइज लार्ज अमाउंट में है। ये थी सॉल्यूट सॉल्वेंट की कहानी, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है गाइज? इक्वल्स टू होता है सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, राइट। जैसे कि हमने पानी के अंदर चीनी डाली या पानी के अंदर नमक डाला, तो पानी बहुत सारी अमाउंट में होता है और चीनी कम अमाउंट में डाली जाती है। यानी कि उस शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए? शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन के लिए, यानी कि मीठे पानी के लिए, जो मीठे पानी का आपने मिक्सचर तैयार किया, जो सॉल्यूशन तैयार किया, जो दो चीजों को मिला के आपने तैयार किया, उसके अंदर जो आपकी चीनी थी वो किसका रोल प्ले करेगी? सॉल्यूट का रोल प्ले करेगी। और जो पानी है वो आपका किसका रोल प्ले करेगा गाइज? सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा। यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, राइट। सॉल्वेंट जनरली जब हम प्रैक्टिकल तौर पे काम करने के लिए जाते हैं तो सॉल्वेंट जनरली लिक्विड स्टेट में होते हैं। सॉल्यूट सॉलिड या लिक्विड दोनों केसेस में मिल सकते हैं। जनरली की बात कर रहा हूं, ऐसा मैं यूनिवर्सल नहीं बोल रहा, राइट। जनरली क्या होता है गाइज? जनरली सॉल्यूट जो होते हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं और
सॉलिड भी हो सकते हैं, और जो सॉल्वेंट होते हैं वो जनरली लिक्विड स्टेट में ही पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, इसको फटाफट से लिखो फिर आगे चलते हैं। जब हम लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हमें सॉल्यूशन तैयार करने होते हैं। उन सॉल्यूशंस के लिए हम बेसिकली क्या बोलते हैं गाइस कि सॉल्यूट कभी लिक्विड सॉलिड दोनों में मिल सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जो मिलेगा वो हमें मेजरली लिक्विड स्टेट में मिलेगा गाइस। ठीक है जी, समझ में आता है जी प्यारे बच्चों। ये क्वार्क क्वार्क्स की कहानी पहली थी, ये मैंने आपको पहले बताई थी, आज जस्ट स्पेलिंग का चेंज बताया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इज क्वार्क्स, क्वार्क सी लगाओ या के लगाओ बात एक ही है जी। ठीक है जी, इसको लिखेंगे जल्दी जल्दी प्यारे बच्चे, फटाफट से इसको लिख लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें आज भी करनी है, हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल भी करी थी। ठीक है गाइस, इसको लिख लेंगे गाइस फटाफट। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग। आगे चले सर, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं जी, बात करते हैं अपने कल के क्वेश्चंस की। तो आपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था गाइस, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी भी स्पीसीज के आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे, आप गिवन मास, क्या गाइस, गिवन मास और मोलर मास के रेशियो को निकालोगे। गिवन मास जो होता है गाइस वो होता है ग्राम्स में, और जो मोलर मास होता है वो होता है ग्राम पर मोल में। मोलर मास या मोलिकुलर मास बात एक ही होती है गाइस। ठीक है, मोलर मास या मोलिकुलर मास बात एक ही होती है। तो हमने बताया था कि वन मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10^23 मोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मोलिक्यूल्स लिख देंगे, एटम्स की बात करेंगे तो एटम्स लिख देंगे, और पार्टिकल्स की बात करेंगे तो पार्टिकल्स लिख देंगे गाइस। ये दो चीजें हमने कल सीखी थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बोलेगा कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम्स ऑफ CO2। तो गाइज आप अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो केवल आपके पास एटम्स का जो रिलेशन है वो मोल से है, किससे है, मोल से है, और मोल का जो रिलेशन है वो मोलर मास और गिवन मास से है। तो गिवन मास तो आपको दिया हुआ है, गिवन मास तो प्यारे बच्चों आपको दिया हुआ है। देखो आप, उसने क्या बोला है, 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि आप इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू स्मॉल डब्लू बाई कैपिटल एम, और स्मॉल डब्लू की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है 44। अब बात आई कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुलर मास की, किसकी बात आई गाइज, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुलर मास की। जब इसके मोलिकुलर मास की बात करते हैं, जब इसके मोलिकुलर मास की बात करते हैं तो मास कैसे निकालना है गाइस, कार्बन और ऑक्सीजन के मास को कैलकुलेट करना है, राइट। तो मैं यहाँ साइड में इसका मोलर मास तो मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, हमने कल क्लास में सीख लिया था,
ऑक्सीजन का जो मास होता है, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है गाइस 16, और हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे कैलकुलेट करके मेरे पास आ जाएगा 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44, यानी कि आपका इत्तफाक से जो मोलर मास है वो भी आपका 44 ही आ रहा है। 44 से 44 कट जाएगा और आपके पास इसके आ जाएगा इज 1 मोल, यानी कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल लो या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल लो, बात एक ही है। आपने निकाल लिया, आपने 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो कितने आए आपके? 1 ग्राम आए, यानी कि 1 मोल में कार्बन, 44 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल आता है, राइट? एंड यू नो व्हाट, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10^23 किसका? वन मोल ऑफ CO2 किसका? किसका? वन मोल ऑफ CO2 कंटेन्स व्हाट? 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल CO2 के प्रेजेंट होंगे, और 3 इंटू एटम्स कितने हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड 3 एटम से मिलके बनता है, एक कार्बन से और 2 ऑक्सीजन थे, तो एटम कितने आए? 3 इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स है तो इतने एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। और क्या पूछ रहा था हमसे? एटम्स, क्या पूछ रहा था? एटम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 6 0.6318 × 10^23 एटम्स प्रेजेंट है जी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये है गाइज आपका आंसर, इसको लिख ले गाइज फटाफट से। ये जो 44 है ये यहां से आया है, यानी कि ये जो मोलर मास है ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको फटाफट से लिख ले गाइज। दिस यू नो राइट, इसको लिख ले गाइज फटाफट। इसको फटाफट से लिख ले गाइज, आई थिंक इसके क्वेश्चंस तुम लोग लगा लोगे, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। अच्छा, अगर वो तुमसे यहाँ पूछ लेता, एक थोड़ा सवाल के अंदर चेंज करके देख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आगे चलते इसको लिखो पहले, करते इसको आगे करते हैं। आगे चले सर, इसको पॉज करके लिख रहे हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो
तो यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? राइट आगे चलते हैं गाइस। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या डालते हैं, इससे नहीं हो रहा शायद ही, क्वेश्चन डालते हैं यहीं से, लिख लेते हैं भाई हम तो। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन के लिए कैसे करना है, फिर से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम। W कितना दिया है 44, M निकाल के कितना निकालोगे 1, यू नो क्या 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इनटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये आप लोग बात जानते हो, और 3 इंटू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अब मुझे बता दो एक चीज, मुझे आप एक चीज बता दो, मुझे क्या चीज बता दो आप गाइज, कि CO2 के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक मॉलिक्यूल जो CO2 का आपके पास है, एक मॉलिक्यूल जो CO2 का आपके पास है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है जी? कार्बन ऑक्सीजन, ये फॉर्मूला है जी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। एक कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आया जी, वो आया जी 6। कार्बन के अंदर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है गाइस 6। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट हो गए। ऑक्सीजन के अंदर होता है जी, इसका एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8। कितना होता है जी? 8। मैंने कल बताया था 8 एटॉमिक नंबर है, मतलब 8 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 8 एक के पास है, दो के पास कितने हो जाएंगे 8+8, तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आए 6+8 और 8 16, और 16+6=22। यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर तो है कितने गाइस 22 इलेक्ट्रॉन, और मॉलिक्यूल मेरे पास कितने हैं 6.022 × 10^23, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 22 × 6.022 × 10^23 इलेक्ट्रॉन्स इन CO2। वो जो पार्टिकल्स था ना, पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी पूछ सकता है। 22 × 6.022 × 10^23 प्रोटॉन्स इन CO2। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को गाइज अप्रोच करना है। इसको लिख लेगा इस फटाफट से, ये क्या थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO2। CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए कितने गाइज 22। कितने आए गाइज 22 आए। इसको फटाफट से लिखेंगे, यानी कि एक मोल ऑफ CO2 में 22 × 6.022 × 10^23 प्रोटॉन्स हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए गाइस, इसके एटॉमिक मास से घटा देंगे, न्यूट्रॉन्स भी आप लोग निकाल लेंगे।
ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इन वन कार्बन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी किसके इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के। पार्टिकल्स का मतलब यही था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इतने ही पार्टिकल्स हो गए, एक सिंगल फंडे से सब कुछ निकल जा रहा है, बताओ है नहीं मस्त चीज। इसको फटाफट से लिखिए गाइस, आगे चले सर, सब आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भाई मैंने आपको हर तरह के करा दिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने चाहिए और आपको वन मोल की डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, आपसे वन मोल में कुछ भी पूछ सकता है, बस आप मोल निकाल लो, उसके हिसाब से अपने आप हो जाएगा। मोल निकालने के बाद ये डेफिनेशन बहुत अपने आप में क्लियर है, ये सारी की सारी। एटम्स की बात करते हैं तो तीन एटम से मिलके बना है, ये रहा। इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो 22 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोटॉन की बात करें तो 22 प्रोटॉन से मिलके बना है कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं तो मिलके बना है भाई, एक्स्ट्रा तो कहीं से आ नहीं सकते उसके अंदर, या नहीं मानते? चले आगे, इसको फ्रीज कर लेना, पॉज कर लेना, ठीक है, इसको यहां से लिख लेना, आगे चलते हैं गाइस, राइट, आगे चलते हैं और आगे लेके चलते हैं गाइस अपनी सॉल्यूशन को। अभी आप इससे पीछे सॉल्यूशन सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, और सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट मिलाया और आपने इसके अंदर सॉल्वेंट मिलाया, गाइस कितना सॉल्यूट, ये तो थी क्वालिटी की बात, आपने सॉल्यूशन बना लिया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके। अब बात करते हैं क्वांटिटी वाइज, किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं गाइस, क्वांटिटी वाइज। तो क्वांटिटी वाइज जब मुझे बात करनी पड़ी तो मुझे एक वर्ड की जरूरत पड़ी गाइस, कंसंट्रेशन, किसकी जरूरत पड़ी गाइस, कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन वर्ड अपने आप में बहुत खास है, और गाइस इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं सही मायने में तो केवल इसी चीज के पैसे है जी, इस कंसंट्रेशन के ही आपके पास पैसे है, यही कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, यही कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशंस होती है दो प्रकार की कंसंट्रेशंस होती है, एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, या जिनको हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ कंसंट्रेशंस यू हैव नोन, कंसंट्रेशंस मैं बताता हूँ, आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, निकालना सीखा है कि नहीं निकालना सीखा है मुझे बताओ, हकीकत में वहाँ पे कंसंट्रेशन आपको निकालनी सिखाई हुई है, यानी कि इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, बच्चे तो बैठे हैं, क्लास जो बनी है वो टीचर प्लस स्टूडेंट से मिलके बनी है। अगर मुझसे कोई पूछे इस क्लास में कितने टीचर है या कितने स्टूडेंट है, तो बात किसकी करूँगा, बात करूँगा कंसंट्रेशन के टर्म्स की, किसकी बात करूँगा गाइज, कंसंट्रेशन के टर्म की बात करूँगा,
यानी कि मैं बेसिकली कंसंट्रेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि आपने सॉल्यूशन बना तो दिया, आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट बना तो दिया, मिक्स कर तो दिया, लेकिन कितना सॉल्यूट उसके अंदर है, कितना सॉल्वेंट उसके अंदर है, ये पता करने की जो टेक्निक होती है उनको बोलते हैं कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करना, यानी कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन योर सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन, इज नोन एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, कि भाई आपकी कितनी क्वांटिटी आपके सॉल्वेंट के अंदर डली हुई है सॉल्यूट की, वही कंसंट्रेशन है। अब ये कंसंट्रेशन गाइस बहुत तरीके से निकाल सकते हो। जैसे एक आदमी बोलेगा 100 ग्राम में 20 ग्राम मिला दिया जी, पानी को ग्राम में तोल लिया उसने, मर्जी है उसकी। एक बोलेगा नहीं जी 20 लीटर में 50 ग्राम मिलाया जी। एक बोलेगा नहीं जी 20 लीटर में 2 मोल मिलाया जी। अरे भाई मोल भी तो एक तरह का अब आंकड़ा आ चुका, मोल भी तो एक आपके पास फैक्टर आ चुका किसी भी कंपाउंड की यूनिट बताने के लिए, कि उसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स डाल दिए। कोई बोलेगा नहीं मैं तो पार्टिकल डाल के बना रहा हूं, तब क्या बात करोगे? तो हर आदमी अलग अलग तरीके से बयां कर सकता है, उस अलग अलग तरीके से बयां करने को ही कंसंट्रेशंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गाइस? दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो मेरे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो मेरे पास गाइस क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोलैरिटी की। किसकी बात करेंगे? मोलैरिटी की, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। बताऊंगा क्या होती है मोलैरिटी, घबराओ नहीं। उसके बाद बात करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे गाइस? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। उसके बाद बात करेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे गाइस? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। सेम बात कर लेते हैं गाइस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। किसे बात कर लेते हैं गाइस? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। यहाँ सबसे ज़्यादा जो आप कूद कूद के बात करोगे वो आप बात करोगे मोलैलिटी की। किसकी बात करोगे गाइस? मोलैलिटी की। किसकी बात करोगे गाइस? मोलैलिटी स्मॉल एम की। किसकी बात करोगे गाइस? मोलैलिटी स्मॉल एम की। यहाँ पे एक चीज और छूट जाती है, वो होगी नॉर्मैलिटी। क्या होगी गाइस? नॉर्मैलिटी। क्या होगी गाइस? वो नॉर्मैलिटी रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को स्ट्रेंथ के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है, कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो वो आप क्या बात करोगे? उसका परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम निकाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे गाइस? मोल फ्रैक्शन की। एक एक टर्म जो लिख रहा हूँ पूरी 11वीं 12वीं में पागलों की तरह तुम्हारा पीछा करेगी, छोड़ेगी नहीं। अभी सीख जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में मरना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे काई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? काई। अब देखो कैसे बनता है काई, देखो जरा, देखो। सिंपल, एक सिंगल लाइन और ये ऐसे सा एस, सिंगल लाइन एस, मोल फ्रैक्शन, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे गाइज परसेंटेज वेट बाई वेट की। किसकी भाई? वेट बाई वेट की। तो ये मैंने आपको चार, यानी कि यहां पे मैंने आपको बताई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 प्रकार की कंसंट्रेशंस मैंने आपके सामने लिखी है। हर एक का अपना एक अलग मायना है और हर एक का अपना एक अलग क्राइटेरिया है, जिसमें पर्टिकुलर उसी की बात होगी जिसकी वो हमसे बात करवाएगा, राइट है गाइज। यानी कि अगर मोलैरिटी की बात करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होंगे उन्हीं को यूज करेंगे,
अगर बात करेगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की, तो केवल हम वॉल्यूम की ही बात करेंगे, इसके अलावा हम किसी की बात भी नहीं करेंगे। अगर बात करेगा वेट बाई वॉल्यूम की, यानी कि वेट की बात करेंगे और वॉल्यूम की बात करेंगे। नॉर्मेलिटी एक अलग चीज़ है, बताऊंगा जब सीखेंगे। मोलैलिटी भी अलग चीज़ है, बताऊंगा। मोल फ्रैक्शन भी अलग चीज़ है, बताऊंगा। और परसेंटेज वेट बाई वेट में दोनों की ही वेट की बात करेंगे, इतने ग्राम में इतने ग्राम, राइट। ये जो चार तीन चीजें है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है गाइस? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। नीट में ये कई बार पूछा हुआ है कि कौन सी जो कंसंट्रेशंस होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और कौन सी कंसंट्रेशंस जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि नीट में यहां से कई बार क्वेश्चन आया है जी, कंसंट्रेशन दे देगा, बहुत सारी कंसंट्रेशन दे देगा ए बी सी डी करके, और बताओ कौन कौन सी कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, या कौन सी कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इनको एक बार लिख ले, इन्हीं का खेल है बस। इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा, केवल यही निकालनी सीखनी है, इन्हीं की प्रैक्टिस मैं आपसे करवाऊंगा। फटाफट से लिखे, एक एक को लेके चलेंगे, एक एक को निकालना सीखेंगे। लिख लो जी सर। फटाफट से लिख लो सर। चलिए जी लिखिए जी गाइस, फटाफट इसको फटाफट लिखिए जी। और फिर अपनी पहली प्रॉपर्टी की, यानी कि पहली कंसंट्रेशन की बात करेगी जी। मोलैरिटी कैसे निकालनी है जी, मोलैरिटी क्या होती है जी। टेम्परेचर लिखा है, ये टेम्परेचर तितली से जो बनी है आर, शॉर्ट फॉर्म्स होती है, हमें कुछ शॉर्ट नोटेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। साइंस के स्टूडेंट्स है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान ज़्यादा देना है। चीज़ें चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो आपकी समझ है आपको कैसे लिखना है। मैं तो केवल आपको कम समय में लिखने की टेक्निक, निंजा टेक्निक सिखा सकता हूँ। चले सर आगे, कंसंट्रेशन निकालने की बात करते हैं। पहली कंसंट्रेशन की बात करते हैं गाइस, मोलैरिटी की। किसकी बात करते हैं सर? मोलैरिटी की बात करते हैं बेटा। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गाइस? कैपिटल एम से। मोलैरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। और एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम
इन ml, अगर ml में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट गाइज, ये दो प्रकार के फॉर्मूले आपके सामने आ चुके। अगर वॉल्यूम आपके पास है लीटर में तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है ऊपर वाला, अगर आपके पास वॉल्यूम है मिलीलीटर में तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है मल्टीप्लाइड बाई 1000 वाला। शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बाई वी इन लीटर, एक फॉर्मूला, राइट। और एक ही बात है, एम इक्वल्स टू एन बाई वी इन एम एल इंटू 1000, एक फॉर्मूला, राइट है गाइस, क्लियर है कि नहीं है? यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन में डाले हैं वो क्या होता है। अगर इसके टर्म्स में बात करते हैं तो हम बात करते हैं सर मोलैरिटी की, यानी कि मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लीटर में। अगर एम एल में है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर गाइज, ये दो फॉर्मूले लिखो, फिर आगे चलते हैं, कैलकुलेशन करना सीखते हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैसे इसके आए हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है जी, इसको लिखे फटाफट गाइज। चले जी आगे, छोटी सी चीज थी ये तो, राइट। यानी कि m इक्वल्स टू n बाई वी लीटर और n बाई वी इन ml एल इंटू 1000। और फॉर्मूले और इसके रूप पढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, तो था ही पहले किसमें, इन लीटर में, एक फॉर्मूला गाइस आपके पास ये आ गया। इसको शॉर्ट में कैसे ले सकते हैं, w बाई एम इंटू वी लीटर और W by M into V ML into 1000। ये जो M है ये क्या है, ये है मोलिकुलर मास। ये जो M है, ये M क्या है, मोलारिटी है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि दो दो एम कैसे आगे, है ना, ये आप इसको कर लोगे सही तरीके से कवर। इसको फटाफट से लिखो, अब करते हैं सर इसके क्वेश्चंस, खत्म बात।
कर लिया जी। कर लिया होगा, केवल नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया और कुछ नहीं किया। नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं लिखा। आगे चलते हैं, इसके बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं मोलरिटी निकालने के बेस पे। बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मेकिंग बाई टू मोल्स ऑफ मेकिंग बाई टू मोल्स। ठीक है गाइस, अगर थोड़ा ब्लर्ड हुआ था बीच में तो मैं इसको कंप्लीट करा देता हूं वापस से। राइट, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मेकिंग बाई टू मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन सॉल्यूट इन 100 ml of solution। तो m equals to n by v into 1000, 2 by 1000 into 1000, क्योंकि वॉल्यूम कितना था 1000 ml था, तो हमने क्या रख दिया 1000 रख दिया, 1000 से 1000 कट जाएगा, 2 मोलर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड आउट कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। जो ये m होता है इसका मतलब होता है मोल पर लीटर, इतने मोल इतने लीटर में, क्या गाइज इतने मोल इतने लीटर में, यानी कि फाइंड आउट कंसंट्रेशन मोल पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग 64 ग्राम ऑफ O2 इन 2 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, यानी कि इसका सवाल को करेंगे कैसे, m इक्वल्स टू n बाई वी, क्योंकि अब की बार वॉल्यूम के लीटर में है तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। W बाई n को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास में, W बाई m इन टू, यानी कि 64 अपॉन 32 इन टू 2, 32 2 64, 2 से 2 कट जाएगा, 1 मोल पर लीटर और 1 मोलर, कितना गाइज 1 मोल लीटर, 1 मोल पर लीटर और 1 मोलर, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, इसको लिख ले फटाफट से। फटाफट से लिखो, लिख लिया गाइस। लिख लिया गाइस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगवाएगा। कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाई डिसॉल्विंग
10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 2 लीटर ऑफ वॉटर। ये पूछ रहा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को अगर 2 लीटर वाटर में डिसोल्व कर देते हैं तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। क्या पूछ रहे गाइज, अगर 10 ग्राम किसको, ग्लूकोज को, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है इसका फॉर्मूला, C6H12O6। तो हमारे पास जो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर। राइट, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। राइट, गिवन मास कितना है, 10 ग्राम है, मोलर मास, ये आई बात मोलर मास निकालने की, तो C6H12O6 का मोलर मास तुम्हें वो नहीं देगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्या निकालने, हम निकाल रहे थे इसका मोलर मास। मोलर मास कैसे निकलेगा गाइस, 6 कार्बन का जोड़ना पड़ेगा, 12 हाइड्रोजन का जोड़ना पड़ेगा और 6 ऑक्सीजन का जोड़ना पड़ेगा। तो एक कार्बन का होता है कितना जी साहब, 12, 6 का कितना हो जाएगा, 12 × 6, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 12 कितना हो जाएगा, 1 × 12, एक ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, 6 का कितना हो जाएगा, 16 × 6, 72 प्लस 12, 66 जा 36 और 96। राइट, 6, 2, 8, 2, 10, 0, 1, 9, 1, 10 और 1, 11 और 17, 7, 18। यानी कि ग्लूकोज का जो मास होता है वो होता है 180 ग्राम पर मोल। राइट, यानी कि मोलर मास की वैल्यू आ गई कहाँ से, यहाँ से, कितनी रख देंगे गाइस, 180। वॉल्यूम कितना है जी, 2 लीटर। कितना है जी गाइस वॉल्यूम, 2 लीटर। सोल्व करेंगे, 0 से 0 चली जाएगी, 1/18 36 मोल पर लीटर और 1/36 मोल, ये है जी आंसर। एम लिख के छोड़ दो तो भी आंसर है और मोल पर लीटर लिख के छोड़ दोगे तो भी वो उसका सही आंसर है। कर लो जी इसका सॉल्यूशन। ग्लूकोज का मोलर मास निकालने का पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, आज के बाद याद भी रख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, याद रखना भी तुम्हारी चॉइस है और निकालना भी तुम्हारी चॉइस है। मैं तो आपको दोनों तरीके से करवा सकता हूँ कि देखो ये आपके पास दोनों तरीके है, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो गाइस। निकाल लोगे जी, इसको करो गाइस फटाफट। इसको फटाफट लिखो और एक क्वेश्चन आज तुम्हें मैं होमवर्क में करने के लिए दूंगा, वो बताऊंगा अभी। मोलरिटी क्लियर है, निकाल लोगे डिफरेंट डिफरेंट टर्म से, केवल सवाल को पकड़ने का खेल है, कैसे पकड़ना है और कुछ नहीं है।
राइट है गाइस, आगे चल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, क्या करना है, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ ये आ गया गाइस आपका 30 और 35.5 NaCl, राइट NaCl का निकालना है आपको कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, यानी कि मोलरिटी में, और इसका वेट कितना दिया है, ऑन डिसॉल्विंग फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम इन 100 ml ऑफ वॉटर। ये आपके लिए जी क्वेश्चन है, कल हम इसको सॉल्व करेंगे और आप इसका सॉल्यूशन मुझे होमवर्क में भेजोगे गाइस, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिले गाइस, थैंक यू सो मच, राइट इसको लिख लेना, ठीक है, धन्यवाद सर।